जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आज आठवीं संस्कृत की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ तीन का अभ्यास। सबसे पहले है एक पद में उत्तर दीजिए, अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न एक का भाग, बालकः बालिकाश्च कुत्र वार्तालापं कुर्वन्ति। बालक और बालिकाएं कहाँ वार्तालाप, कहाँ बातचीत करते हैं। कुत्र के स्थान पर आएगा उद्याने। उद्याने बालकः बालिकाश्च उद्याने वार्तालापं कुर्वन्ति। प्रश्न खा, कै विलंबेन उत्थितवान, कौन देर से उठता है। विलंबेन का अर्थ है यहाँ पर देर से, उत्थितवान का अर्थ है उठता है। कै के स्थान पर आएगा प्रतीक है, प्रतीक है विलंबेन उत्थितवान। प्रश्न गै, का सब दिनचर्या कथयति, कौन अपनी दिनचर्या बताता है। का के स्थान पर आएगा भव्या, भव्या सब दिनचर्या कथयति, भव्या अपनी दिनचर्या बताती है। प्रश्न घ्य, भव्या स्पाद पंचवादने किम करोति, भव्या सवा पांच बजे क्या करती है। स्पाद का अर्थ है सवा, पंचवादने का अर्थ है पांच बजे। भव्या सवा पांच बजे क्या करती है। भव्या दंत धावनम करोति, किम के स्थान पर आएगा दंत धावनम, भव्या दांत साफ करती है। प्रश्न ने, अस्माभिः सर्वदा किम ध्यातव्यम, हमें हमेशा क्या याद रखना चाहिए। इसका उत्तर है विद्यार्थी ने पंच लक्षणम ध्यातव्यम, अस्माभिः विद्यार्थी ने पंच लक्षणम ध्यातव्यम, हमें हमेशा विद्यार्थी के पांच लक्षणों को याद रखना चाहिए। प्रश्न दो, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न दो भाग क, प्रतीक है कति वादने उत्तिष्ठति, प्रतीक कितने बजे उठता है। प्रतीक है प्रातः अष्टवादने उत्तिष्ठति, प्रतीक है सुबह आठ बजे उठता है। कति के स्थान पर आएगा बच्चों अष्टवादने, कति का अर्थ है कितने बजे और अष्टवादने आठ बजे। प्रश्न ख, अस्माकं दिनचर्या किमर्थं सम्यक् भवेत्, हमारी दिनचर्या कैसे ठीक हो। इसका उत्तर है जीवने स्वस्थ जीवनाय विकासाय च अस्माकं दिनचर्या सम्यक् भवेत्, जीवन में स्वस्थ जीवन जीने के लिए और विकास के लिए हमारी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। प्रश्न ग, भव्या कदा अध्ययनं करोति, भव्या कदा का अर्थ है कब, कब अध्ययन करती है। भव्या षड वादनतः नव वादन पर्यंतम अध्ययनं करोति, भव्या छह बजे से नौ बजे तक, पर्यंतम का अर्थ है बेटे नौ बजे तक अध्ययनं करोति, अध्ययन करती है। भव्या कदा क्रीडति, भव्या कब खेलती है। भव्या पंचवादनतः षड वादन पर्यंतम क्रीडति, भव्या पांच बजे से लेके छह बजे तक खेलती है। प्रश्न ने, विद्यार्थी पंच लक्षणम किम, विद्यार्थी के पांच लक्षण कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है काकचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी ने पंच लक्षण। बच्चों, ये जो विद्यार्थी के पांच लक्षण बताए गए हैं, सभी विद्यार्थियों में ये लक्षण होने चाहिए। काकचेष्टा कोय की तरह, चेष्टा कोय की तरह, चेष्टा बकोध्यानम बगुले की तरह ध्यान, स्वान निद्रा कुत्ते की तरह नींद, अल्पाहारी कम भोजन करना, गृह त्यागी घर का ज्यादा मोह ना होना। अगर ये गुण हमारे में होंगे तभी हम उन्नति कर सकते हैं, जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाती, मेहनत हमेशा फलदायी साबित होती है। हमें अपने जीवन में मेहनत से, कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। यही सीमा सिंघवानी का आज का विचार।